हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वे टू सक्सेस बाय हरीश सर। अभी तक यानी प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देखा था पैलोलिथिक पीरियड, मेजोलिथिक पीरियड एंड प्री हिस्टोरिक आर्ट एंड कल्चर। यानी उसमें मेन जो मुख्यतः जिसका वर्णन किया गया था वो भीमबेटका का पेंटिंग का देखा गया था, साथ ही साथ आदमगढ़ और लाखाजुवार से भी पेंटिंग बहुत सारी मिली है, उस पर हम लोग चर्चा किए थे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे नवपाषाण काल। नवपाषाण काल का मतलब है नियोलिथिक पीरियड। नियो मतलब नया और लिथिक मतलब प्रस्तर, नव प्रस्तर युग। पैलोलिथिक पीरियड यानी पूर्व पाषाण काल और मध्य पाषाण काल में हमने देखा मोटा मोटी कि जो मनुष्यों का जीवन था वो शिकार और खाद्य संग्रहण पर आधारित था। यानी वो शिकार करता था जंगली जानवरों का, उससे अपनी उदर पूर्ति करता था। मेजोलिथिक पीरियड के अंत आते आते आदिम प्रकार की वो कृषि करने लगा और साथ ही साथ पशुपालन करने लगा था, पशुओं को पालने लगा था। अब नवपाषाण काल में ये हुआ कि धीरे धीरे मनुष्य जो आदिम प्रकार की कृषि कर रहा था, अब यहां पे आके ट्रूली जो एग्रीकल्चर की बात हम करते हैं, यानी अगर हम कहते हैं कि कृषि का प्रारंभ किस काल में हुआ तो नवपाषाण काल में कहा जाता है, आंसर नवपाषाण काल होता है। अब नवपाषाण काल का प्रारंभ स्टार्ट होता है पहला एंड ऑफ प्लिस्टोसीन एपोक, यानी अत्यंत नूतन काल का अंत। अत्यंत नूतन काल का अंत का मतलब यह हुआ कि धीरे धीरे पूरी पृथ्वी अब बर्फ से धीरे धीरे खाली हो रही थी, बर्फ से भी जो खाली होती चली जा रही थी, और मनुष्यों का जो प्राकृतिक के द्वारा जंगली पौधे था, वनस्पति था, उस पर अपना नियंत्रण और उसको अपने अनुसार प्रयोग करने सीखना प्रारंभ हो गया था। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि ट्रूली जो एग्रीकल्चर का जो कार्य था वो अब नवपाषाण काल में मनुष्यों ने स्टार्ट कर दिया था। दूसरा चीज ये था कि इसने बिगिनिंग ऑफ स्टेबल लाइफ की बात कही जाती है, यानी अस्थाई जीवन का प्रारंभीकरण। नवपाषाण काल को हम एक तरह से कह सकते हैं कि अस्थाई जीवन का शुरुआत या प्रारंभ। यह कैसे हुआ तो उसके आगे हम देखते हैं कि मनुष्य अब जो पर्यावरण पर धीरे धीरे अपना नियंत्रण स्थापित करने की दिशा में अग्रसर हो गया था, यानी अब जो नई नई डेवलपमेंट था वो क्या क्या था। तो नया डेवलपमेंट आप देखेंगे मनुष्यों के जीवन में, तो पहला था वो फायर का यूज, यानी आग का प्रयोग। हालांकि वो आग के बारे में जानकारी उसे पहले से थी, लेकिन उसको अपने अनुसार यूज करना वो इस काल में आके सीखा, यानी फायर का यूज करना। सेकेंड एग्रीकल्चर, यानी कृषि कार्य करना प्रारंभ कर देता, ट्रूली एग्रीकल्चर का जो कार्य था वो नवपाषाण काल में हुआ। थर्ड पॉलिश्ड स्टोन टूल्स, अब जो पत्थर था उसको बहुत अच्छे से चमकाकर उसको साफ बनाकर यूज करना प्रारंभ कर दिया था, क्योंकि मनुष्य धीरे धीरे विवेकवान और बुद्धिमान हो गया था। वो जानता था कि बड़े पत्थरों को टोन के टूल्स के रूप में यूज करना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो एकदम बिल्कुल पॉलिश्ड और जो था उस तरह का वो टूल्स यानी उपकरण प्रारंभ करना स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट पॉटरी मेकिंग, यानी मृदभांडों का बनाना वो सीख लिया था। मृदभांड का बनाने का मतलब है कि मृदभांड तभी बनाया जाता है जब कोई चीज रखने की आवश्यकता होती है। तो आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर का प्रारंभ हो गया था, कृषि का प्रारंभ हो गया था, पॉलिश स्टोन टूल, अब पॉटरी मेकिंग, यानी अब हस्तनिर्मित। प्रारंभ में हम देखते हैं नवपाषाण काल के प्रारंभ में हस्तनिर्मित वो मृदभांडों का प्रयोग करता है, लेकिन जैसे ही व्हील यानी पहिए का आविष्कार होता है तो पहिए के आविष्कार ने
एक और डेवलप किया, डेवलपमेंट उसके सामने आया, वो पोर्टर्स विल के रूप में, यानी कुम्हार की चाक के रूप में। तो अभी तक मनुष्य प्रारंभिक काल में मनुष्य पॉटरी जो यूज करता था वो हस्त निर्मित था, लेकिन जब व्हील यानी पहले का आविष्कार हुआ, पहले के आविष्कार ने क्या किया, कुम्हार का चाक का आविष्कार करने में मदद किया। तो कुम्हार के चाक के द्वारा निर्मित यानी अब सुडौल सुंदर अच्छे मृदभांड को वो प्रयोग करना या बर्तन मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग करना सीख लिया था। तो ये सारे डेवलपमेंट जो हुआ वो इस काल में हुआ, यानी आग का डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर एक्टिविटी, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, फिर से आपको पॉलिश स्टोन टूल्स, पॉटरी मेकिंग, मृदभांडों का बनाना और व्हील पहिए का आविष्कार। अब एक एक को देखते हैं। देखिए फायर का जो यूज था, फायर के यूज से यह हो गया कि अभी तक जो मनुष्य कच्चा मांस का प्रयोग कर रहा था भोजन के रूप में, अब वो रोस्टेड मांस, रोस्टेड मीट को भोजन में प्रयोग करने लगा, यानी पका हुआ मांस खाने लगा। पका हुआ मांस के साथ साथ ऐसा नहीं था केवल पका हुआ मांस, बल्कि जो कुछ उसको अन्न के रूप में मिल रहा था, शुरू में जंगली पौधों के जैसे अन्न मिल रहे थे, उन अन्नों को अब वो पका के भी खाने लगा था। प्लस आग के प्रारंभ से ये हुआ, यूज से ये हुआ कि रिमूव डार्कनेस, यानी अब इसे एक उजाले के रूप में भी, अंधेरे में यानी रात के समय भी आग का प्रयोग करके उजाला कर लेता था। इससे ऊर्जा की संचार भी कहीं ना कहीं मनुष्यों के शरीर में होती थी। आग के प्रयोग से मनुष्य की लाइफ पूरी तरह से बदल गई थी। नेक्स्ट जो इन्वेंशन था वो था एग्रीकल्चर। अब चूंकि आप जानते हैं कि जब एग्रीकल्चर कोई करेगा, मनुष्य एग्रीकल्चर यानी कृषि कर्म करेगा, तो कहीं ना कहीं वो रुक जाएगा, कहीं एक स्थान पर टिक जाएगा। तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी ने क्या किया था कि मनुष्य को एक जगह रुकने पर बाध्य कर दिया। जब एक जगह रुका तो क्या हुआ, धीरे धीरे क्या हुआ, एग्रीकल्चर ने स्टेबल लाइफ, जिसने विलेज कल्चर यानी ग्रामीण संस्कृति का जन्म दिया। और ग्रामीण संस्कृति जब आएगी यानी गांव जब आया, एग्रीकल्चर ने क्या क्या स्टेबल लाइफ दिया, एक जगह रुकने, जब तक आप रुकेंगे नहीं तो आप कृषि नहीं कर सकते। ऐसा तो है नहीं कि आज बोया और कल काट के खा लिया, तो निश्चित रूप से उसके लिए रुकेंगे कहीं। रुका, रुकने पे क्या हुआ, स्टेबल लाइफ यानी अस्थाई जीवन स्थिर कर दिया। स्थिरता ने क्या क्रिएट कर दिया, गांव बना दिया। आज जब गांव बनेगा तो निश्चित रूप से दो चीजें डेवलप होंगी, एक होगा इकोनॉमिक एक्टिविटी और दूसरा होगा सोशल एक्टिविटी। जब ये दोनों आएगा तो वहां पर कल्चर भी स्टार्ट हो जाएगा, कल्चरल एक्टिविटी भी यानी सांस्कृतिक कार्य भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो एक तरह से मनुष्य क्या हुआ, विलेज कल्चर आया तो इकोनॉमिक एक्टिविटी भी, आर्थिक क्रिया भी संपन्न करने लगा, उसके बाद सामाजिक जीवन भी उसका धीरे धीरे क्रिएट होने लगा। जब ये दोनों तीनों चीजें आएंगी तो कहीं ना कहीं कल्चरल एक्टिविटी भी यानी सांस्कृतिक का जो चरण होगा उसका भी विकास प्रारंभ हो जाएगा, यानी संस्कृति भी आ जाएगी। क्योंकि ऑलरेडी आप जानते हैं कि मेजोलिथिक पीरियड में जानवरों के खाल को कपड़े के रूप में यूज करना प्रारंभ कर दिया था। तो कपड़ा हो गया, आग का इन्वेंट हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, तो निश्चित रूप से इकोनॉमिक एक्टिविटी भी होगी, सामाजिक एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटी भी होगी। जब ये सब चीजें आएंगी तो ये सब चीज मिलकर क्या होगी, कल्चर एक संस्कृति डेवलप होने लगेगी। क्योंकि ऑलरेडी आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर तो हो गया, फिर से पॉटरी भी मेकिंग यानी मृदभांडों का भी निर्माण स्टार्ट हो गया था। क्योंकि जब एग्रीकल्चर होगा तो सामान होगा, सामान को रखने के लिए कोई चीज चाहिए, दैट इज पॉटरी, मृदभांड, उसका भी इन्वेंट हो गया, पॉटरी आ गया था। क्योंकि शुरू में नवपाषाण काल के प्रारंभिक काल में हस्त निर्मित पॉटरी का प्रयोग किया जा रहा था, यानी हस्त निर्मित मृदभांडों का या मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किया जा रहा था,
लेकिन जब आगे चल के जब पॉटर्स व्हीलर यानी पॉटर्स व्हील कुम्हार के चाक का जब प्रयोग होने लगा तो जो मृदभांड था वो सुडौल और सुंदर और अच्छे होने लगे। तो एक तरह से धीरे धीरे मनुष्य का जो लाइफ था वो बिल्कुल स्टेबल और कल्चरल एक्टिविटीज भी आने लगे। अब वो जब एक जगह रहेगा तो निश्चित रूप से डांस भी होगा, नृत्य भी होगा, गेम भी होगा, हर तरह की एक्टिविटी धीरे धीरे आदिम प्रकार से स्टार्ट होंगे। मैंने हर संस्कृति का जो डेवलपमेंट होता है, प्रारंभ जब होता है तो कहीं ना कहीं एक किसी खेल के रूप में प्रारंभ होता है, वो जाके आगे चल के एक संस्कृति बन जाती है। अगर परंपरा होता है जो परंपरा आगे चलते चलते धर्म में परिवर्तित हो जाता है। तो ये संस्कृति डेवलपमेंट हो गई। इसमें एक डेवलपमेंट जो हुआ था वो हुआ था व्हील का डेवलपमेंट, यानी पहिए का विकास। पहिए का विकास इन्वेंट ऑफ व्हील या डिस्कवरी ऑफ इन्वेंट ऑफ व्हील, पहिए का आविष्कार। पहिए के आविष्कार ने क्रांति लाई नौपाषाणिक लोगों के बीच में। कैसे क्रांति लाई? क्योंकि ऑलरेडी आप जानते हैं कि मेजोलिथिक पीरियड में मनुष्य पशु पालन करने लगा था, पशुओं को गुलाम बनाने लगा था, जिसमें कुत्ता बैल गाय भेड़ बकरी सबको पालने लगा था। यहां जब पहिए का आविष्कार हो गया तो हमने क्या देखा कि पहिया यहां से मिल गया और एनिमल ऑलरेडी पहले से ही पालतू बनाए जा रहे थे, जिसमें बैल था ऑक्स था, ये दोनों मिलकर क्या जन्म दिया? बुल कार्ट, बैल गाड़ी, यानी दोनों मिलके व्हील और एनिमल हस्बेंड्री मिलकर क्या दिया था जन्म? किस चीज को दिया था? बुल कार्ट, बैलगाड़ी। यानी पहली बार व्हीकल का प्रयोग नौपाषाण काल में देखने को मिलता है। और पहला व्हीकल कैसे किस तरह का था? बैलगाड़ी था। बैलगाड़ी ने सोशल डायनामिज्म सामाजिक गति प्रदान की, सामाजिक गत्यात्मकता। अब क्या हुआ कि बैलगाड़ी पर सामान रख के एक स्थान से दूसरे स्थान आसानी से जाया जा सकता था। दूसरी ये चीज कि सामान बहुत सारा उठा के बैलगाड़ी को ला दी और एक जगह से ले जाके दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर लिए। यानी धीरे धीरे क्या हुआ कि अब एक कल्चरल एक्सचेंज होने लगा, सामाजिक संस्कृति का आदान प्रदान होने लगा। ये आदान प्रदान ने आपको धीरे धीरे क्या किया, मार्केट को भी जन्म दे देगा, यानी आर्थिक एक्टिविटी यानी आर्थिक क्रियाओं की भी शुरुआत कर देगा। निश्चित रूप से कहीं गेहूं ज्यादा उत्पन्न किया जा रहा हो, कहीं जौ ज्यादा उत्पन्न किया जा रहा होगा, एक्सचेंजेज स्टार्ट हो जाएंगे, एक्सचेंजेज मार्केट को जन्म देगा। खैर इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो बुल कार्ट हो गया। इन सारे डेवलपमेंट को देखने के बाद बी गॉर्डन चाइल्ड ने नौपाषाण काल को नौपाषाण क्रांति का नाम दिया, क्योंकि मनुष्यों के जीवन में यहां पर इस काल में आते आते क्रांति हो गई थी, रिवोल्यूशन क्रिएट हो गया था। तो बी गार्डन चाइल्ड महोदय ने फायर का इन्वेंशन, एग्रीकल्चर ट्रूली एग्रीकल्चर कृषि कर्म, पॉटरी मेकिंग, व्हील का प्रयोग या व्हील का डिस्कवर करना यानी इन्वेंट करना, ये सारे इन्वेंशन को लेके कहा था कि ये काल नियोलिथिक पीरियड नहीं है बल्कि नियोलिथिक रिवोल्यूशन है। ये नाम किसने दिया था? बी गार्डन चाइल्ड ने कहा था कि ये नियोलिथिक रिवोल्यूशन है, नौपाषाणिक क्रांति है। अब हम देखते हैं कि इस संस्कृति का या नौपाषाणिक काल का विस्तार कहां कहां पे है। तो वो जो सबसे पहला अगर कोई पुरास्थल की हम बात करते हैं तो वो बात करते हैं मेहरगढ़ की। मेहरगढ़ पश्चिमोत्तर भारत में, उस समय के पश्चिमोत्तर भारत, और आज वो बलूचिस्तान में पड़ता है, क्वेटा घाटी में। मेहरगढ़ वह स्थान है जहां से एग्रीकल्चर का, जैसे कहते हैं अर्लीएस्ट
एबी डेंस ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य उपलब्ध है। और किस प्रकार की किस अन्न की खेती की जाती थी, तो वो था वीट एंड वार्ले, यानी गेहूं और जौ। सेकेंड अदर नेक्स्ट ये है कि यहां से हमें आयताकार यानी रेक्टेंगुलर हमें आवास का एविडेंस मिलता है, हैबिटेशन का एविडेंस मिलता है, यानी आयताकार आयताकार घरों का प्रमाण, यानी रेक्टेंगुलर हैबिटेशन का हमें एविडेंस मिलता है। और ये जो घरों का निर्माण हुआ था वो सन ड्राई ब्रिक्स का, कच्चे ईंटों से निर्माण हुआ था। तो यानी इस तरह से हम देखते हैं कि यहां पर एग्रीकल्चर भी हो रहा था, निवास भी था। तो निश्चित रूप से यहां पे क्या हुआ, गांव होगा। तो यानी कहा जाता है कि अस्थाई निवास या ग्राम का सबसे पहला एविडेंस कहां से मिलता है, तो वह है मेहरगढ़, अस्थाई ग्राम का एविडेंस, अस्थाई निवास ये मेहरगढ़, क्योंकि यहां पर कृषि भी हो रही थी, घर भी थे। जब ये सारे एविडेंसेस मौजूद है तो निश्चित रूप से अस्थाई ग्रामीण विकास भी होगा, ग्राम भी होगा, गांव संस्कृति भी होगी। मेहरगढ़ के बाद हम देखते हैं जो नेक्स्ट यहां पे था वो था राणा घुंडई, किली गुल मोहम्मद, ये कुछ और भी है। मेहरगढ़ था, क्वेटा घाटी थी, किले गुल मोहम्मद था, यही राणा घुंडई भी था। ये सारे स्थानों से हमें एग्रीकल्चरल एविडेंसेज, अस्थाई निवास, ये सब चीज मिला है। नेक्स्ट हम देखते हैं वो है इसका, तो वो है बुर्जहोम एंड गुफ कराल, यानी ये दोनों साइड पड़ता है आपके कश्मीर में। मैं एक चीज और आपको बता दूं कि नवपाषाण काल का जो विकास हुआ था वो एक काल में सब जगह नहीं हुआ था। जैसे मेहरगढ़ में जो डेवलपमेंट था, जो यहां पे एविडेंस मिल रहा है वो 7000 बीसी का मिल रहा है, लेकिन एक नया लेटेस्ट डेवलपमेंट है कि एग्रीकल्चर का जो नया प्राचीनतम एविडेंस की बात हम कर रहे हैं, तो वो एक स्थान है यहां पे संत कबीर नगर में, लहुर देवा। लहुर देवा से खेती का यानी एग्रीकल्चर कृषि का प्राचीनतम एविडेंस मिला है, जिसका टाइम जो डेट निर्धारण किया गया है, तिथि निर्धारण की गई है, वो तिथि है 8000 ईसा पूर्व टू 9000 ईसा पूर्व। तो अगर क्वेश्चन में ये आता है कि प्राचीनतम कृषि का साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त हुआ है, और आपके विकल्प में मेहरगढ़, लहुर देवा, लहुर देवा मेहरगढ़ दोनों है, तो आपका आंसर होगा लहुर देवा, ठीक है। और लहुर देवा का जो अगर हम देखते हैं तो लहुर देवा कहीं यहां पड़ेगा, लहुर देवा, जिस जहां से एग्रीकल्चर का जो एविडेंस मिला है, कृषि का प्रमाण मिला है, उसका टाइम है 8000 बीसी टू 9000 बीसी, यानी मेहरगढ़ में 7000 बीसी में एग्रीकल्चर का प्रमाण मिलता है, और लहुर देवा से जो एग्रीकल्चर का प्रमाण मिलता है उसकी टाइम ड्यूरेशन जो है, टाइम है वो 8000 टू 9000 बीसी। तो क्वेश्चन में अगर आया है प्राचीनतम एविडेंस की बात कर रहा है और मेहरगढ़ लहुर देवा दोनों है, तो आपका आंसर होगा लहुर देवा, लहुर देवा नहीं है तो मेहरगढ़ हो जाएगा, करेक्ट। आगे बढ़ते हूं, जो नॉर्थ इंडिया में एक्सपेंशन था नियोलिथिक पीरियड का, वो वहां दो हमें पुरास्थल मिला है, फर्स्ट बुर्जहोम और सेकेंड गुफ कराल कश्मीर। पहला बुर्जहोम, बुर्जहोम से हमें दो चीजों का मिला है,
गर्त आवासों में रहने का साक्ष्य। पहला, जैसे गर्त आवास नहीं कह सकते हैं, खाई नुमा ट्रेंच जो, मतलब लोग वहां के थे वो खाइयों में रहते थे, खाइयों में घर का निर्माण करते थे, तो उसे हम कह सकते हैं पिट ड्वेलिंग्स एंड गर्ता आवास। और जो सबसे महत्वपूर्ण है यहां बोर्जोहोम से वो ये था, एक कब्र मिला था जिसमें एक बरियल कब्र मिला था जिसमें मालिक के साथ उसके कुत्ते को भी दफन किया गया था। तो मास्टर विद डॉग, ये दोनों को एक कब्र मिला है, मालिक और कुत्ते का जो शव था एक ग्रेव में हमें एक साथ मिला है, यानी मालिक के साथ कुत्ते को दफन किया गया है। वो पेट रहा होगा, पालतू रहा होगा, नेक्स्ट है गुफ कराल, कहें लिटरल मीनिंग तो कुम्हारों की गुफा। यहां से जो हमें एविडेंसेस मिले हैं वो मिला है गर्ता आवास, आवास मृदभांडों के साथ, गर्तावास प्लस मृदभांड एक साथ मिला है, यानी जो आवास का एविडेंस मिला है उसमें मृदभांड भी मिले हैं। तो बोर्जोहोम में आपने देखा कि पालतू कुत्ता भी मालिक के साथ दफनाया गया है, और गुफकराल में गर्तावास यानी पिट ड्वेलिंग और उसमें मृदभांड पाए गए हैं। तो ये सब कल्चरल चीजों को इंडिकेट करता है, यानी मनुष्य के अस्थायी जीवन को इंडिकेट करता है, इंगित करता है। अब हम देखते हैं मध्य जो भारत था वहां पे मध्य भारत में आपको बेलन वैली में स्थान मिलता है कोल्डिहुआ, कोल्डिहुआ ये पड़ता है उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट या प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट में, बेलन वैली, बेलन वैली में है कोल्डिहुआ। कोल्डिहुआ से हमें प्राचीनतम धान की खेती का साक्ष्य मिलता है, यानी राइस कल्टीवेशन, धान की खेती का प्रमाण मिलता है। और ये कहा जाता है कि धान की खेती का जो प्रमाण है ये न केवल भारतीय उपमहाद्वीप में बल्कि पूरे विश्व में प्राचीनता है, प्राचीनतम है, अर्लिएस्ट है। तो जो कोल्डिहुआ से हमें धान की खेती का जो प्रमाण मिला है वो न केवल भारतीय उपमहाद्वीप बल्कि पूरे विश्व में प्राचीनता है, प्राचीनतम है। तो यहां पे धान खेती में इसका टाइम मान लिया जाता है नियर अबाउट 65 BC, 65 ईसा पूर्व। यहां से तीनों काल के आपको एविडेंस मिलता है, नियोलिथिक पीरियड का भी एविडेंस मिलता है, फिर से आपको चालकोलिथिक पीरियड का भी एविडेंस मिलता है एंड आयरन एज का एविडेंस मिला। यानी ये तीनों काल, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल और आयरन यानी लौह काल, तीनों काल का यहां से एविडेंस मिलता है। फिर से एक स्थान है, ये तो कोल्डिहुआ, दूसरा महागड़ा, महागड़ा ये भी आपका इलाहाबाद बेलन वैली में ही पड़ता है, बेलन घाटी नदी रिवर वैली में पड़ता है, इलाहाबाद के आसपास पड़ता है। यहां से आपको कई चीजों का मिलता है एविडेंस, जैसे पहले कि सर्कुलर हट, वृत्ताकार झोपड़ी, वृत्ताकार झोपड़ी का एविडेंस। दूसरा, यहां पे धान की खेती के अलावा
यहां पे आपको वारले कल्टीवेशन भी मिलता है, यानी धान की खेती के साथ साथ यहां पे आपको जौ की भी खेती का एविडेंस मिलता है। यहां से एक चीज मिलता है, वो मिलता है पशुवाड़ा। एनिमल एनक्लोजर्स, पशुवाड़ा, एनिमल एनक्लोजर्स। इसका भी एविडेंस आपको महाग्रह से मिलता है। तो ये आपका कोल्डिंगा और महाग्रह दोनों बेलन वैली, बेलन रिवर वैली में पड़ता है, मध्य भारत के क्षेत्र में पड़ता है। और इसके बाद हम देखते हैं साउथ, तो हो गया ये आपका कोल्डिंगा महाग्रह। एक स्थान और था यहां पे, वो था चोपनी मांडो। चोपनी मांडो इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहां पर तीनों फेजेस में का एविडेंस मिलता है, पैलोलिथिक पीरियड, मेजोलिथिक पीरियड और न्यूलिथिक पीरियड। तीनों फेजेस यानी पैलियोलिथिक, मेजोलिथिक एंड न्यूलिथिक, तीनों काल का एविडेंस मिलते हैं। और नेक्स्ट पॉटरी, जो पॉटरी का एविडेंस मिला है ये दुनिया में प्राचीनतम है। जो सबसे पहले अगर कहते हैं कि मृदभांड कहां से मिला था हमें, तो मृदभांड का एविडेंस हमें कहां से मिला था, वो मिला था चोपनी मांडो से। चोपनी मांडो के पॉटरी के लिए दुनिया में सबसे प्राचीनतम स्थान है, यानी मृदभांड सबसे पहले कहां मिला था, चोपनी मांडो। चोपनी मांडो कहां है, बेलन रिवर वैली यानी इलाहाबाद के आसपास। अब हम साउथ के प्लेसेस को देख रहे हैं। अब नवपाषाण काल का जो विस्तार हम साउथ का देखते हैं, साउथ में, तो वहां पे साउथ में अगर देखें तो मास्की, संगन कुल्लू, ब्रह्मगिरी, टी नरसिंहपुर, तेक्कलकोट, ये सारे प्लेसेस थे, हल्लूर। पहले हम देखते हैं कर्नाटका क्या, कर्नाटका में देखेंगे कौन कौन सा स्थान है। तो कर्नाटका में है मास्की, फिर से टेक्कलकोट, टेक्कलकोट, संगन कुल्लू। संगन कुल्लू का एक बड़ा महत्वपूर्ण था, वो है महत्वपूर्ण एविडेंस यहां से मिला है, वो मिला है राख का टीला। राख के टीले का मतलब ये होता है कि ये मान लिया जाता है कि नवपाषाण काल में लोग पशुओं को पालते थे, और जहां पालते थे जब वहां से आगे बढ़ते थे तो जितने वहां पर गोबर वगैरह रहता था या जितने वेस्टेज होता था उसको वो जला देते थे, जला के आगे बढ़ जाते थे। तो इस तरह राह का टीला कई जगहों से मिला है। तो उसमें क्या है, क्वेश्चन आता है बार बार कि राह का टीला का एविडेंस प्रमाण कहां से मिलता है, तो है संगन कुल्लू। संगन कुल्लू कहां की साइट है, कर्नाटक की साइट है। टी नरसिंहपुर, संगन कुल्लू, मास्की, टेक्कलकोट, फिर से आपका ब्रह्मगिरी, यहां से आप जितने नवपाषाणी के यहां पर बाजरा, जौ, राई, क्योंकि ये माना जाता है ना कि राई का प्रथम कृषि कहां पे हुआ था, साउथ में हुआ था, लेकिन धीरे चल के यहां पे भी राई के साथ साथ सारी चीजों का एग्रीकल्चर, धान वगैरह का एग्रीकल्चर यानी कृषि कल्टीवेशन होने लगा था। फिर दूसरा एक जो प्लेस था वो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में था कोडेक्कल,
नागार्जुन, जुन कोंडा, नागार्जुन कोंडा, फिर से उतनूर, उतनूर, ये सब आपके आंध्र प्रदेश के साइट्स हैं। एंड तमिलनाडु का जो साइट था वो था पायम पल्ली, ये तो आपके साउथ में है। एक चीज आप लोग जान लीजिए कि नौ पाषाण काल का जो विकास था एक साथ सब जगह नहीं हुआ था, कहीं 7000 ईसा पूर्व उसका डेट आता है तो कहीं 3000 ईसा पूर्व डेट आता है, साउथ में 3000 के आसपास डेट ईसा पूर्व इसकी डेट तिथि होती है, यानी एक साथ नौ पाषाण काल का विकास, नौ पाषाणिक संस्कृति का विकास नहीं हुआ था, एक समान नहीं हुआ था, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय में इसका डेवलपमेंट हुआ था। बिहार में एक साइट थी चिरांद, चिरांद से हमें धान की खेती का एविडेंस मिलता है और कुछ हड्डियों के बने उपकरणों का साक्ष्य मिलता है, चिरांद से हमें धान की भूसी का साक्ष्य मिलता है प्लस हड्डियों से बने उपकरणों का एविडेंस मिलता है। यानी इस तरह नौपाषाणिक काल यानी एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट, कृषि का विकास, पॉटरी विकास, मृदभांडों का विकास, पहिए का विकास धीरे धीरे करके पूरा भारत में विस्तृत हो गया था। नौपाषाण काल के साथ ही अस्थाई जीवन का प्रारंभ हो गया, लोगों के सामाजिक आर्थिक सारी क्रियाएं स्टार्ट हो गई और धीरे धीरे कल्चरल डेवलपमेंट हो गया। थैंक यू। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आता, कोई भी क्वेश्चन अगर इस टॉपिक से रिलेटेड होगा तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, उसका आंसर मैं दे दूंगा। थैंक यू।